नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। इस खास पेशकश में बात होगी जिला जौनपुर को लेकर। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। यूपी में जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा हुई है। जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने नमामि गंगे योजना के प्रोजेक्ट मैनेजर के किडनैपिंग केस में सजा सुनाई है। कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। धनंजय सिंह के ऊपर अपहरण और रंगदारी के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। मंगलवार को कोर्ट ने उन्हें दोषी करार ठहराया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर धनंजय सिंह को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने हाल ही में जौनपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बताते चलें कि साल 2020 के एक केस में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने नमामि गंगे के इंजीनियर से रंगदारी मांगने और उसके अपहरण के मामले में दोषी करार दिया है। मुजफ्फरनगर के रहने वाले नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी और अन्य धाराओं में धनंजय और उनके साथी विक्रम पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें शिकायत की गई थी कि संतोष विक्रम ने 2 साथियों के साथ सिंघल का अपहरण किया और पूर्व सांसद धनंजय सिंह के आवास पर ले गए। वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए अभिनव सिंघल को कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने का दबाव बनाया। इनकार करने पर धमकी देते हुए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। इसी मामले की सुनवाई मंगलवार को हुई थी, जिसमें जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को दोषी माना था। इसके साथ ही सजा सुनाने के लिए बुधवार की तारीख नियत की थी। इसी क्रम में कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे धनंजय सिंह? ऐसे इसलिए बोल रहे हैं कि धनंजय सिंह ने हाल ही में जौनपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया था। तो कुल मिलाकर इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको पूर्व सांसद धनंजय सिंह का बयान सुनवाते हैं। केवल हमको चुनाव से रोकने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। धनंजय सिंह के बयान को आपने सुना। अब आपको हमारे संवाददाता की जौनपुर से एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त की जौनपुर की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा और 50,000 रुपया जुर्माना एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाया और बड़ी मशक्कत के साथ पुलिस ने एमपी एमएलए कोर्ट से जेल लेकर आई और उन्हें जेल में डाल दिया, जिसको लेकर सियासी पारा गर्म हो गया है। आपको बता दें पूरा मामला क्या है। धनंजय सिंह के ऊपर आरोप था अपहरण और रंगदारी का। आपको बता दें कि एसटीपी प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने आरोप लगाया था। थाना लाइन बाजार में एक तहरीर दी थी जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें आरोप लगाया था कि धनंजय सिंह ने पिस्टल सटाकर रंगदारी मांगी थी और अपहरण करवाया था, जिसको लेकर तमाम केस में कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, जिसको लेकर परसों जीरा हुआ और जिसमें उसने पुलिस को हिरासत में का आदेश दिया, हिरासत में लेकर उनको जेल भेज दिया जाए, जिसमें आज सुनवाई की गई और जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 7 साल की सजा 50,000 रुपया जुर्माना लगा दिया और पुलिस अवरक्षा में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद वही जिस तरह से रास्ते में इंडिया न्यूज़ से बात करते हुए धनंजय सिंह ने कहा कि वे न्यायालय का सम्मान करते हैं, न्यायपालिका का, और वह हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट में अपनी बात रखेंगे, जिससे लेकर सियासी पारा काफ़ी गर्म हो चुका है। राजनीतिक की बात करें तो लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। सूत्रों की माने तो अब धनंजय सिंह की पत्नी भी श्री कला रेड्डी जिला पंचायत अध्यक्ष मैदान में उतर सकती है। इंडिया न्यूज से अजीत गिरी, जौनपुर। वहीं जौनपुर की रिपोर्ट के बाद लखनऊ से भी हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जराइम की दुनिया से राजनीति तक का सफर तय करने वाले धनंजय सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई टीडी कॉलेज से की। सामान्य परिवार से आने वाले धनंजय सिंह ने पढ़ाई के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी का रुख किया, जहां वो छात्र राजनीति से जुड़े और फिर उस दौरान चल रहे मंडल कमीशन के विरोध में शामिल हो गए। वहीं उनकी मुलाकात अभय सिंह से हुई और फिर
जब जवानी परवान चढ़ी तो उसी के साथ साथ जराइम की दुनिया में अपराध की फहरिस्त भी बढ़ने लगी। एक के बाद एक धनंजय सिंह पर कई सारे मुकदमे दर्ज हुए, जिसके बाद उन्होंने पहला चुनाव निर्दलीय लड़ा और जिसे वो जीते भी। उसके ठीक बाद धनंजय सिंह ने बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की और फिर बसपा में शामिल हो गए और वहां से पहली बार सांसदी का चुनाव लड़े। इस चुनाव में धनंजय सिंह ने न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि एक सियासी मुकाम भी। धनंजय सिंह का नाम अब पूर्वांचल में बड़े नेताओं के साथ लिया जाने लगा। साथ ही साथ बाहुबल की बात करें तो पूरे पूर्वांचल के बड़े बाहुबली नेताओं में भी धनंजय सिंह का नाम शुमार हो गया। धनंजय सिंह पर एक के बाद एक 40 से ज्यादा मुकदमे लिखे गए। 22 मुकदमों में धनंजय सिंह को पूरी तरह क्लीन चिट यानी कहा जाए निर्दोष साबित किया गया। इस मुकदमे में जहां धनंजय सिंह पर अपहरण के मुकदमे को लेकर FIR दर्ज की गई थी, जिसको लेकर सुनवाइयों का दौर चल रहा था, और अब इसी मामले में धनंजय सिंह को 7 साल की सजा मिली है। अब न सिर्फ धनंजय सिंह चुनाव लड़ पाएंगे बल्कि इस 7 साल के वक्त को लेकर वो कोर्ट में आगे अपील करते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन ये भी साफ हो गया है कि अब एक के बाद एक धनंजय सिंह पर मुकदमों की बाकी फहरिस्त में भी आने वाले वक्त में इसी तरह कोर्ट की सुनवाइयों के दौरान बड़े फैसले आते हुए नजर आ सकते हैं। कैमरामैन पंकज के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो आप अभिषेक सिंह की रिपोर्ट देख रहे थे लखनऊ से। हमारे संवाददाता, हमारे साथ हमारे दो संवाददाता और साथ ही अधिवक्ता सौरभ शंकर श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। सौरभ जी, आपका स्वागत है। अजीत गिरी हमारे संवाददाता जौनपुर से हैं और रवि कुमार हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हैं। सौरभ जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। धनंजय सिंह के ऊपर जो भी प्रकरण चल रहे और आज जिस प्रकरण में उनको सजा हुई है, जो जुर्माना लगाया गया है, इस पर एक पहला रिएक्शन मैं आपका चाहूंगा सर, अपने दर्शकों को बड़ा आसान शब्दों में समझाने के लिए। बहुत आसान शब्दों में तो ये है कि कुछ समय से आप देख रहे हैं कि एक क्रिमिनल बैकग्राउंड एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन बन गया है पॉलिटिक्स, और इस वजह से बहुत सारे क्रिमिनल एलिमेंट्स पॉलिटिक्स में आ गए। इनके खिलाफ केस चलते थे, ये इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, गवाहों को खत्म कर देते हैं, हमने कई केस में देखा है, और नहीं तो पुलिस के साथ मिलकर सारे एविडेंस हटाते हुए चार्जशीट फाइल करवाते हैं। केस बहुत वीक हुए। अब तक जितने भी ट्रायल में देखे, बहुत सारे केसेस में बड़े बड़े माफियाज का, जितने माफिया है इनका इक्विटल हो जाता है, क्रिमिनल इनका इक्विटल हो जाता है। अब कोर्ट बहुत कॉन्शियस हो गया है और बहुत कॉशियस हो गया है। अब जो जजमेंट्स आ रहे हैं, जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग। हालांकि सारा मुकदमा डिपेंड करता है पुलिस की विवेचनाओं पर और गवाहों की क्या एविडेंस रिकॉर्ड पर है, उसको देखते हुए कोर्ट सजा सुनाता है। कोर्ट के जजमेंट में तो सारी चीजें कवर हो जानी चाहिए और उसमें कोई लूपहोल नहीं। जनरली पहले लोग चार्जशीट का फायदा उठाते हैं, उसमें लूपहोल्स का, उसके बाद एक्विटल हो जाता है। जिन केस में सजा हो जाती है, इसको देखना ये महत्वपूर्ण है कि कितना साउंड जजमेंट लिखवाएगा, क्योंकि अभी हाईकोर्ट का रास्ता है, उसका सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है और ये चलता रहता है। बट अच्छी बात यह है कि बहुत फास्ट कन्विक्शन होता है। ये 4 साल पुरानी घटना है जब इन्होंने एक STP के मैनेजर को उठवा लिया था जी। और गिरफ्तारी मांगी थी, किडनैपिंग का केस है। बहुत रिकॉर्ड टाइम में केस डिसाइड हुआ, पुलिस की विवेचना भी बहुत टाइम से हुई, सारे बयान भी हुए और कोर्ट ने इसको बहुत ही क्विकली डिसाइड किया है। ये चीज सारी जुडिशरी के लिए जरूरी है कि कोई मुकदमा था उसको जल्दी से जल्दी डिसाइड करें। किसी गवाह को बहुत मौका नहीं दे, कई गवाह है आप बुलाते रहिए, कोर्ट में नहीं आते, खासकर से इंक्लूडिंग पुलिस वाले गवाह कोर्ट में नहीं आते। लगातार पुलिस को तलब किया जाता है, पुलिस वाले गवाह नहीं आते, अहम गवाह जो होते हैं वही गायब हो जाते हैं। रिकॉर्ड टाइम में कोर्ट ने डिसाइड किया है, ये कोर्ट के लिए बहुत बड़ी बात है, सभी के लिए बहुत अच्छी बात है कि विद इन अब बाकी ऑर्डर देखते हैं, डिटेल में ऑर्डर आने दीजिए, फिर देखते हैं कि इसमें क्या लूपहोल छूटे हैं या कंप्लीट ऑर्डर हाईकोर्ट के इंटरफेरेंस के लिए कितना है। ठीक है सर, मैं इस पर आऊंगा आपके पास, आगे भी आपसे सवाल करूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम अजीत गिरी के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता जौनपुर से इस वक्त हमारे साथ हैं। अजीत, चूंकि चुनाव लड़ने का ऐलान किया था धनंजय ने और उसके बाद आज जो रिएक्शन आया उसमें कहा गया
कि चुनाव लड़ने से रोकने के लिए ये एक्शन मेरे ऊपर हुआ है, ये तो कोर्ट का फैसला है, अभी क्या रिएक्शन इस पर मिल रहे हैं अजीत जी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट में सजा सुनाई गई, आज उनको परसों हिरासत में लेकर आज उनको सजा सुनाई गई और उनको 7 साल की सजा और 50,000 रुपया जुर्माना तक दे दिया गया। लेकिन वही धनंजय सिंह ने बाहर निकलते हुए साफ तौर से कहा कि वो राजनीतिक शिकार है, उन्हें चुनाव रोकने के लिए कि वो चुनाव न लड़ सके, इसलिए फैसला तत्काल है। क्योंकि इस मामले में जो जो गवाह था जिसने यह मुकदमा दर्ज करवाया था वो पूरे तरह से क्लीन चिट दे दी थी, उसने एफिडेविट दे दिया था, कोर्ट में जमा कर दिया था, इस तरह से मेरे साथ कोई नहीं हुआ था, मानसिक दबाव में सब कुछ सारी कागज सारी फाइल प्रोसीजर हो गई थी। एक महीना इस मामले में धनंजय सिंह जेल भी रह चुके हैं, ये 4 साल पुराना मामला है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं राजनीतिक बू आ रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं न्यायालय का सम्मान करता हूँ, न्यायालय जो फैसला सुनाएगी मैं उसका सम्मान करूंगा। लेकिन जिस तरह से धनंजय सिंह आज साफ तौर पर खुले गाड़ी में बैठकर खुले इंडिया न्यूज की संवाददाता इंडिया न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव लड़ने से रोकने के लिए पूरी साजिश की गई थी, क्योंकि जीरा चल रही थी, क्योंकि इसमें साफ तौर पे एफिडेविट लगा हुआ था। फिर ऐसी क्या वजह हो गई कि जो ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई और सजा हो गई, 7 साल की सजा दे दी गई, जिससे उन अब सही मायने में देखा जाए तो धनंजय सिंह का जो राजनीतिक कैरियर है वो अंधेरे में जा चुका है। लेकिन सूत्रों की माने तो बताया जाता है कि ठीक है अजीत, आप बने रहिए, आपके पास आऊंगा मैं। रवि कुमार के पास हम चल रहे हैं लखनऊ से, इस वक्त रवि हमारे साथ हैं। रवि, अब जो अजीत बता रहे हैं कि चुनावी करियर जो है धनंजय सिंह का, क्या अब वो अंधेरे में है? रवि अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम पूर्व सांसद धनंजय सिंह की बात करें तो जिस तरीके से पूरा मामला था और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि राजनीतिक शिकार हुए हैं तो ऐसा क्या जरूर करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो ये 4 साल पुराना मामला था और जिस तरह से पूरी कार्रवाई हुई कोर्ट की, उसके बाद कोर्ट ने जब इस पूरे मामले में दोषी पाया उसके बाद की सजा का आज ऐलान हुआ है, तो जाहिर है ये पहला मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसे तमाम तरह के मामले हैं जिन मामलों में जो लोग दोषी रहे हैं उनको सजा सुनाई गई। ऐसे कई सारे ऐसे बड़े अपराधी के तौर पे लोग हैं, हम चाहे मुख्तार अंसारी का जिक्र करें, अहमद की बात करें, ऐसे कई सारे ऐसे मामले रहे हैं जिनमें कली जो पैरवी हुई है उसके बाद पैरवी के बाद फिर कोर्ट की कार्रवाई के बाद सजा का ऐलान हुआ है। धनंजय सिंह का मामला भी वैसा ही है, 4 साल पहले पुरानी घटना थी और जिसपे ये पूरा जो मामला था जिसमें नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर है अपने सिंगल है उनको अपहरण कर उनको पिस्टल हटाकर गाड़ी मांगने गाली देने धमकी देने का ये पूरा मामला भी जो पूर्व सांसद है उनको अदालत से कोर्ट ने पहले दोषी माना था और आज उनको 7 साल की सजा सुनाई गई है। तो ऐसे में धनंजय सिंह के लिए जिसका जरूर होने वाली है क्योंकि आप उनका जो राजनीतिक करियर है अब वो पूरी तरीके से अंधकार में है। अब ये देखना होगा, भले ही वो कह रहे हो कि राजनीति के शिकार हुए लेकिन कोर्ट की अपनी कार्रवाई थी और कार्रवाई के बाद उनको सजा सुनाई गई है तो निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई जरूर पुलिस की तरफ से हुई थी और जिस तरीके से अब अदालत की कार्रवाई हुई है और उसके बाद सजा का ऐलान भी हुआ है तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं धनंजय सिंह का जो भविष्य है या राजनीतिक कैरियर है अब वो कैसे आगे बढ़ेगा ये फिलहाल अब बड़ा सवाल होने वाला धनंजय सिंह के लिए। खास तौर पर भले ही वो ये कह रहे हो कि राजनीति का शिकार हुए हैं ऐसा नहीं है, अदालत की अपनी कार्रवाई है और अदालत ने उनको दोषी माना है उसके बाद की ये पूरी कार्रवाई है या सजा का ऐलान है वो किया गया जी। ठीक है, बने रहिए आप रवि। सौरभ शंकर जी, क्या अगर मैं सही हूं तो अपर कोर्ट के फैसले से पहले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे धनंजय सिंह? अगर ऐसा है तो इसके पीछे की कंडीशंस क्या हैं और अपर कोर्ट जाने की संभावना क्या और कितनी है? सौरभ जी, देखिए संभावना हमेशा रहती है और कोई भी अपराधी होता है वो हर कन्विक्शन चैलेंज जरूर करता है। आप रेयरली कोई ऐसा इंटेंशनल क्रिमिनल देखेंगे जिसको सजा और वो आगे चैलेंज ना करे। वो लीगल ओपिनियन देते हैं कि किसने क्या क्या लैकुने है जजमेंट में, किस बात पर हम हाईकोर्ट जा सकते हैं जी, तो उस पर वो डिस्कस करेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे, तो डेफिनेटली वो अपील में जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे, उसका सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यहाँ तक सेक्शन 8 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सवाल है, फिलहाल तो इनके इलेक्शन लड़ने पर रोक रही है, ये रोक हो जाएगी और ये होना भी जरूरी है। और मैं नहीं मानता इनको एक बजाय क्रिमिनल केस को पॉलिटिशियन की तरह देखना ठीक नहीं। पॉलिटिक्स में वैसे भी काफी नए हैं और 2009 में ही शायद मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में आया, तो पॉलिटिक्स में काफी नए, इज नॉट अ पॉलिटिशियन। इनको आप सिंपल एक अपराधी की तरह देखिए और वैसे ही पोर्ट्रेट होना चाहिए। और दूसरा जो
बोल रहे थे कि साहब वो पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस है, तो पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस जरूर होता है कभी ना कभी उस पर, लेकिन इनको पॉलिटिकल इंटरेस्ट सजा सुनाई गई ये कहना गलत है। कोर्ट के सामने बयान रहे होंगे उसके आधार पर इनको सजा दी, क्या ऑप्शन ये अवेल करते हैं वैसे ऑब्वियसली जाएंगे ग्राउंड लेते हैं ये देखते हैं, और इस पे डिपेंड करेगा कितना अच्छा टेस्ट दिया गया। ठीक है अजीत, अभी पॉलिटिकल रिएक्शन क्या है जौनपुर में इस पूरी खबर को लेकर? जी आपको अगर पॉलिटिशियन रिएक्शन अगर बताएं तो उनके समर्थकों में काफी नाराजगी है, जौनपुर के काफी लोगों में नाराजगी है इस बात को लेकर। कहीं ना कहीं ये भी बता लगा जा रहा है कि अगर धनंजय सिंह को अगर स्टे नहीं मिलता है हाई कोर्ट जाएंगे, अगर स्टे अगर नहीं मिलेगा तो इस सूत्र ये भी बताते हैं कि धनंजय सिंह की फसल मैदान में उतर सकती है। ठीक है रवि, लखनऊ में हलचल इस वक्त कैसी है, चूंकि अभी चुनाव भी नजदीक है, धनंजय सिंह को सजा होना, उनका ये बयान देना कि चुनाव लड़ने से रोकने के लिए ये एक्शन मेरे ऊपर हुआ है, चूंकि फैसला तो कोर्ट का है लेकिन आरोप प्रत्यारोप अब पॉलिटिकल हो रहे हैं इस पर, तो लखनऊ में हलचल इस वक्त कैसी है इस पूरी खबर को लेकर? हालांकि जरूर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि राजनीति का शिकार है वो, रोकने का ऐसा किया गया है, लेकिन फिलहाल ये पूरी कानूनी प्रक्रिया थी उसके बाद कार्रवाई हुई है, सजा सुनाई गई है, अब फिलहाल राजनीतिक हलचल जरूर रही है, कल से जिस तरीके से उनको दोषी करार माना गया था कहा गया था कि आज सजा कलान होगा और सजा कलान हुआ भी है। अब फिलहाल जाहिर है कि 2024 लोकसभा चुनाव होने हैं और चुनाव में वो लेकर ही जिस तरीके से जो तमाम सभी जो चीजें हैं वो सामने है, फिलहाल जिस तरीके से अब संजय सिंह को लेकर जो बात करें तो आज जरूर उसको लेकर चर्चा जरूर होती नहीं है, और जिस तरीके से उनको पहले उन्हें दोषी माना फिर सजा कलान हुआ तो कहीं ना कहीं चर्चा जरूर होती रही है। ठीक है, एक आखिरी रिएक्शन सौरभ शंकर जी आपका सब मैं चाहूंगा, चूंकि सिर्फ एक केस नहीं है धनंजय सिंह के ऊपर, कई सारे केस थे, कुछ केसों में उनको बरी भी किया गया और कुछ केस आगे चल भी रहे, तो अभी बाकी और मुश्किलें क्या धनंजय सिंह की आपको बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? हाँ ऑब्वियसली ये सजा हो गई है और एक कोर्ट में जहां पर सारे एविडेंसेस एग्जामिन किए गए जी और उसका भी इस व्यक्ति ने अपराध किया है तो अपराधी तो हो ही गए, और नाउ इज अ कन्विक्टेड मैन, कन्विक्शन के बाद उस जजमेंट को पलटना ये काफी मुश्किल है, इसलिए एक समस्या तो उनके पास ही रही है कन्विक्टेड मैन का, और वो समस्या बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ शंकर श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, सर रवि कुमार आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए, अजीत गिरी आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो धनंजय सिंह को 7 साल की सजा हुई है, 50,000 रुपए का जुर्माना MPMLA कोर्ट ने लगाया है। चुनाव लड़ने का ऐलान धनंजय सिंह ने किया था इससे पहले, आपको याद होगा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे थे, लोकसभा का चुनाव नजदीक है और उत्तर प्रदेश में खासतौर पर हलचल बढ़ गई है क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है देश के अंदर, 80 सीटें हैं और इन 80 सीटों की लड़ाई में सब दल अपने अपने तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे हैं, उधर धनंजय भी तैयारी कर रहे थे लेकिन वो चुनाव लड़ते उससे पहले ही उनको सजा हो गई है, इस पर रिएक्शन भी दे रहे हैं, पॉलिटिकल रिएक्शन है, लेकिन कुल मिलाकर ये कोर्ट का फैसला है और धनंजय सिंह की जो मुश्किल है वो अब बढ़ चुकी है। फिलहाल हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में अभी के लिए